सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज हम पतंग बनाते हुए अपनी वीडियो बनवाएंगे, मतलब कि मैं खुद पतंग बनाऊंगा और खुद ही मतलब अपनी वीडियो बनाऊंगा। और पीछे हमारे मोहित भाई आ चुके हैं और वो हमारी वीडियो बनाएंगे और थोड़ी बहुत वो करेंगे। ये हमारे मोहित भाई, हाय गाइस कैसे हो? अरे भाई इन भाई मतलब ये हमारी वीडियो बनाएंगे, अक्सर मैं इनकी वीडियो बनाता हूँ और ये भी खुद पतंग बनाते हैं। अपने डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर डाल चुका हूँ और वीडियो भी काफ़ी बार डाल चुका हूँ और अब नंबर मेरा है। वैसे तो मैंने बता चुका हूँ कैसे कैसे भाई। कौन सी पतंग बनाओगे आप? आज एक पूरी पतंग बनाएंगे, पोनी। कौन सी? अच्छा पोनी। डिजाइन डालोगे या प्लेन बनाओगे? प्लेन कोशिश करेंगे, डिजाइन की देखते हैं, वीडियो के ऊपर बात है। और अभी चलते हैं, फिर बनाते हैं और फिर चलते हैं। तो भाई चलो छत पर तो आई गए हैं और हमारे मोहित भाई भी यहीं हैं और अब चलते हैं और वीडियो बनाते हैं। और ये रहा हमारा फ्लैट जिसमें हम पतंग बनाते हैं और ये हमारे मोहित भाई गेट खोलेंगे। खोलो मोहित भाई गेट। इसको लिया गेट, देखो पतंग वतंग तो गंदा हो रहा है। और ये हमारे पतंग का स्टोर, सब यहीं कलेक्शन होता है। ये देख सकते हो आप, ये बोर्ड वगैरह सब यहीं है। और सामने हमारे पदार्थों की पतंग लग रही है और ये कुछ बना रखी हैं, 10-15 पतंग बना रखी हैं, अभी ज़्यादा है भी नहीं। पोनी पतंग है सब लंबा फरमा, ये डिज़ाइन है, एक से एक डिज़ाइन ये सब बना रखी हैं। और एक खड़े मोहित भाई और ये सारी एक से एक पतंगें लग रही हैं यहाँ पे। और अभी चलते हैं और ये मेरा अड्डा है, यहीं बैठ के मैं आपको पतंग बना के दिखाऊंगा और चलते हैं फिर बनाते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। और आज हम पहली पतंग बनाएंगे गोल फरमे पे, जैसा देख पा रहे हो वाला फरमा है, गोल फरमा। ये मेरा खुद का फरमा है, मतलब मैंने खुद काटा था मोहित भाई के साथ बैठ के। अब वैसे सही साइज कट गया था, मैदान में लड़ जाएगी, पूरा गोल फरमा है। और अब इस पर आपको बना के दिखाते हैं, ब्राउन पतंग सफेद पत्ते बनाएंगे और चलते हैं। अब भी बनाते हैं और देखते रहिए आप, पहले कमान छीलेंगे फिर डंडा छीलेंगे और चलते हैं। तो देखो भाई ये कमान है, इसे हमें सी टाइप में बैठाना है इस पर और अपने हिसाब से जैसे जैसे हम बैठाते हैं। और आप देखते रहिएगा और चलते हैं फिर बनाते हैं सामने। चलिए भाई शुरू करते हैं और बनाते हैं। अब ठड्डा छीन लें, देखो यार ठड्डा। और कमान तो मैंने पहले छीन दी है और ठड्डा पहले देखना पड़ता है सीधा या टेढ़ा मेढ़ा। अब जैसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा तो इसे पहले सीधा करते हैं नीचे की साइड से और फिर फरमे के हिसाब से आप पहले ठड्डा काट लीजिएगा, जैसे यहाँ से बिल्कुल ऊपर से नीचे तक इतना बराबर काट लीजिएगा। और कटर इससे काटता हूँ मैं, तो आप बताना किससे काटते हो कमेंट में। और देखिए ये कट गया और भी बराबर हो गया। अभी गोल फरमाया था, ठड्डा मजबूत चाहिए तो इसे सीधा करके फिर से छीलते हैं और चलते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई ये ऊपर का हिस्सा है, इसे कम से कम एक ब्लांत बतला करके यहाँ से कर दीजिएगा। और अभी चलते हैं मैं छील के दिखाता हूँ। तो देखो भाई हल्का सा पतला हो गया और अभी यहीं से मुड़ेगा गोल फरमे में हल्का ठंडा, यहाँ से मुड़ना चाहिए आपका बीच में से, यहाँ से कम यहाँ से ज़्यादा, जिससे कि पतंग अच्छी चल ले और आगे चल के अच्छा घूमें। और अभी अभी से आगे से और पतला करेंगे बिल्कुल सुई जैसा। और अभी सीखते हैं चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको मुझसे पतंग बनवानी हो तो मैं आपको नंबर वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से बनवा सकते हैं। और देखो ठंडा रेडी हो गया ऊपर से, ये रहा हल्का सीधा करके आप देख सकते हो, यहीं से बिल्कुल पतला करा गया। और अब इसे पीछे से पतला करेंगे नीचे की साइड से, यहाँ से यहाँ से कम चार उंगल ठंडा पत्ते के पास से पतला होना चाहिए, जिससे कि आपकी पतंग अच्छी चल ले और अच्छे उठ जाए। जैसे कुछ पतंगे होती है ना नीचे से ठंडा मोटा होता है, उठ नहीं पाती, तो उसमें काम करता है ये कि अगर आप नीचे करोगे तो एकदम उठ जाएगी ऊपर, सुस्त नहीं रहने की। अभी करके दिखाता हूँ आपको पूरा ठंडा तैयार।
देखो गाइस ठंडा तो छिड़ गया हमारा पूरा एकदम बेहतरीन करके। हल्का सा काम था वो मैंने पूरा कर दिया इसमें और अभी चलते हैं। मैं इसको आपको सेक के दिखाता हूँ, मैं उसको आपको सेक के दिखाऊंगा, मतलब कि जैसे छड्डे पर डिजाइन होता है ना धब्बे और सब लगा के दिखाऊंगा आपको। ये लाइटर है BDB SM और ये हमारी मोमबत्ती है, इसे खड़ा करते हैं पहले। BDP ने तो बताया हम भी पी लेते हैं कभी कभी यहीं चुपचाप। और ये हमारा ठंडा है पूरा बेहतरीन एकदम लपकदार भारी ऊपर से नीचे तक। और ये देखो भाई ऐसे करके देखो डिजाइन आ रहा है, ऐसे सीखता है ये। और अभी चलते हैं मैं आपको पूरा सीख के दिखाता हूँ। देखो ऐसे ये सीख गया और अभी से हम मोड़ेंगे नहीं, कम से कम 5 मिनट तक ये पूरा सीख दे। देखो मेरा इसे कम से कम 5 मिनट तक हम बोल बोल नहीं मोड़ेंगे क्योंकि फिर इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, मोटू टूट उठ जाएगा वहीं से मुड़ जाएगा। इतना आपको फर्म काट के दिखाऊंगा, ये हमारा ब्राउन कलर का पेपर है, ये देखो फटी मई है, अजंता तो खत्म हो गया, जब हमने पता मारने सीखी थी जब अजंता खत्म हो चुका था और अब हमें फटी मुफी बनानी पड़ती है। वैसे तो जनता रखा है पर अभी बना नहीं रही, कुछ समय बाद बनाएंगे। मोहित भाई आपके पास रखा है जनता? हाँ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है भाई। मोहित भाई ने थोड़ा सा एडजस्ट कर रखा है, जल्दी से 5-10 की किस्त हुई है बस दोनों के पास। टोटली टोटली ज्यादा नहीं है। और वैसे जिस भाई को भी मोहित भाई का नंबर चाहिए, पतंग बहुत आजकल अच्छी बना रहे हो, उनकी पतंग पौनी चल रही है, 30 रुपीज़ की लंबा फरमा है, काफ़ी अच्छी पतंग है। और मेरी पतंग के रेट आपको अगर मालूम है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, उस पर से आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके बात कर लीजिएगा। और अभी फिलहाल हम इसे बनाते हैं गोल्ड फर्मे को, ये मेरा खुद का फर्मा है। मोहित भाई कैची देखना आपके पास रखी हो क्या बना, मेरे पास नहीं थी। तो मोहित भाई कैची तो हमें मिल गई और अब ये भी अच्छे से काटते हैं एकदम शुरू करके। अरे भाई फर्मे में एक स्टार करके बिल्कुल ऐसे करके काट दीजिएगा, इसे भी पता होना नहीं, क्वेश्चन नहीं है। जो मेरा तरीका है मैं वैसे बताया हूँ जैसे मुझे सिखाई गई है, और अब आप देखते रहिएगा कि मेरा रिजल्ट क्या है 1 साल के अंदर। ये एक शौक करते हैं, ज़्यादा शौक है नहीं, ऐसे करके सारी चीज़ें काट दीजिएगा एकदम छोटी छोटी बारीकियाँ। काटना एकदम सही तरीके से गाइस, वरना आपके जो कमान छिल गया वो फर्मे में सही बैठ नहीं पाएगी, फिर आप बोलोगे कि ये ऐसे नहीं बैठ पा रही है। यहाँ से बिल्कुल मिला के काट देना, हल्का सा बाहर काट लीजिएगा अगर गोल फर्मा है तो, क्योंकि गोल फर्मे की कमान छी टाइप में ज़्यादातर होती है, घर वाली तो कमान बहुत मुश्किल में लगती है। और यहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं, इनको भी इकट्ठा मार लीजिएगा। गाइस ये फर्मा हमने काट लिया है और अब इस पर मैं आपको कोड़ी मार के दिखाता हूँ गुटाई। मेरा देखो इस पूरा फर्मा काट दिया है, अगर आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में गोल फर्मा बना रहे हैं हम। कोड़ी मारने से पहले हल्का सा ऐसे हाथ मार लीजिएगा, जो भी इसमें दिक्कत है मतलब कुछ पड़ा है कमान का छिलका वगैरह तो, जिससे आपको प्रॉब्लम ना है। गाइस ये पेपर वेट, इससे गुटाई लगती है मतलब कोड़ी जिसे बोलते हैं बाहर, हम तो गुटाई बोलते हैं सर। मोहित भाई आप क्या बोलते हो? मैं गुटाई बोलता हूँ भैया। चलो मतलब तो कैसी करनी, क्रॉस वाली कर दें? वो बनना स्टार वाली होती है, जो बहुत से स्टार वाली कर ली पाए स्टार वाली कर दो। अच्छा चलो तो स्टार वाली भी होती है। मोहित भाई कह रहे स्टार वाली तो करते हैं, यहाँ से शुरू होगी।
तो गाइस अभी आधा स्टार तो बन चुका है, अगर आपको दिख रहा हो शाइन मार दी पेपर अगर, क्योंकि ब्राउन पेपर है और वैसे यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, तो ये देखो ये अगर आपको दिख पा रहा हो आधा स्टार तो हो चुका है। और अभी शुरू करते हैं दूसरी तरफ से मारना, और अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं पूरी कौड़ी मार के और फिर देख। चलो तो गाइस अब आपको मैं पूरी कौड़ी मार के दिखाता हूँ पूरी नहीं, इसे बहुत सेफ्टी से यूज करें, मतलब इसमें जहर लगा होता है। घर से घर के बच्चों से फैमिली से दूर रखें, अपने अलग रूम में रखें, और मैं सबका अपना अपना तरीका अलग होता है, मेरा भी तरीका अलग है, आप देखते रहिए। तो बस पूरे टड्डे पे ले लग चुकी है, और अब इसे चलते हैं चिपकाते हैं, और ये यहाँ से इस कोने तक लगाते हैं, और ये यहाँ पे ऐसे करके बीच बीच में हाथ मार दीजिएगा, और फिर अपने हाथों को किसी चीज़ से साफ कर लीजिएगा, और फिर इसे ऐसे करके ऊपर से हाथ मार दीजिएगा। तो देखो भाई ठड्डा आपका सिकुड़ जाएगा, गोल फरमाया हमारा, और ठड्डा भी सूखने में 2-3 मिनट लेंगे, इतना हम वीडियो को रोकते हैं और फिर दोबारा शुरू करते हैं। ठड्डा सूखता है काफ़ी टाइम, चलिए गाइस शुरू करते हैं और बनाते हैं पतंग। और हमने ठड्डा तो चिपका दिया था आपके सामने, सूख चुका है, और अभी से पतंग को कमान वमान चढ़ाते हैं। कमान हमने शेर दी, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये थी हमारी कमान, एकदम बेहतरीन कमान है गोल फरमे की, ये हल्की सी आराम से दूर लड़ेगी, बेहतरीन पतंग निकलेगी। और अभी हम आपको दिखाते हैं, एकदम बेहतरीन कमान है गोल फरमे की, A1 क्वालिटी सी की भी कमान एकदम रेड हो गए। और अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं, और ये देखो भाई इस यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला के, इससे मिलाकर अपने जहाँ पे डोरी का निशान होता है यहाँ से ऐसे दबा दीजिएगा, और यहाँ पे चिपक जाएगी, और फिर ऐसी दूसरी साइड से अगर आप देखो यहाँ से ऐसे नहीं लगा कर, और यहाँ से इधर ऐसे लेके खींच के हल्का सा अंदर दबा लीजिएगा, जो आपका फरमा एकदम खींच के टाइट हो जाए, और एकदम यहाँ फिर ऐसे लगा दीजिए, और ये चढ़ गई कमान आपकी पसंद की। और फिर इसमें पहले हल्के से 2 चिप्पे लगा दीजिए, जिससे आप पहले ज़्यादा टाइट मजबूत हो जाएगी पतंग, इन चिप्पों से जल्दी फटेगी नहीं, और आप फिर उसके बाद अपना आराम से डोरी पत्थर बाद में करिए या अभी करिए, वो आपके ऊपर बात है चिप के बाद। जैसे यहाँ पे छोटा सा कैसे करके लगा दीजिएगा, अब ये कहीं नहीं जाएगा, उधर की साइड भी आप ऐसे ही लगा दीजिएगा, कहीं से कहीं तक नहीं भागेगी। तो गाइस रेडी हो चुके हैं, और आप देखिए ये फरमा है गोल फरमा मेरा, ये मेरा खुद का फरमा है, जिस किसी को भी पतंग लेनी हो कांटेक्ट कर सकता है, खुद का फरमा है मेरा गाइस, एकदम पतंग बेहतरीन बनी है, भारी पतंग है, दूर लड़ेगी, ये रहा ये मेरा खुद का फरमा है,
जिसे भी चाहिए वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। और मैं आपको इस पर डोरी रील वगैरह लपेट कर दिखाता हूँ। ये रही हमारी रील और पहले शुरुआत से यहाँ से करिए, नीचे से और यहाँ से इस कोने से हल्का सा कट मारकर अपने उस तरह से हल्का सा कट यहाँ पे मारिए जो रील इसमें फंस जाए। ये देखो भाई यहाँ पे फंस गई। अब चलते हैं यहाँ पर ऊपर वाली नोक की तरफ और यहाँ पे भी हल्का सा कट मार दीजिए जो इसमें फंस जाए। वापिस घुमाकर यहाँ पर अब ला सकते हैं। ये तो भाई रील चढ़ चुकी है पूरा कोने पर। अब हम इसे आपको लपेट कर दिखाएंगे साफ सफाई से एकदम। आप अपनी लई लीजिएगा और हल्की सी लई बाहर निकाल लीजिए कि कोने पर। और गाइस हमेशा ध्यान रखना लई हमेशा अच्छी बनी होनी चाहिए एकदम फ्रेश। और ये देखो यहाँ पे हल्का हल्का कोने पे किनारे पे लई को लगाते चलिए हल्का हल्का और आराम से बनाते रहिए। और ये देखो एक कपड़ा भी रख लीजिएगा अपने पास जो आपका मतलब पतंग वतंग साफ करने में काम है और फिंगर वगैरह। और ये हल्के हल्के हाथों से आप ऐसे से लपेट दीजिएगा सफाई से एकदम किनारे बहुत सफाई से। ये देखो ना ज़्यादा और ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए गाइस ध्यान रखना। जितनी मोटी रखोगे उतनी पतंग ख़राब करेगी जो मतलब पतली डोरी रखनी चाहिए। और ये रिवाइज हो गया सेट। फिर हल्का सा ऐसे हाथ मार दीजिए रिवाइज हो गई डोरी इधर की। आप देख सकते हो आराम से एकदम बेहतरीन करके हो चुकी है साफ सुथरी। और आते हैं दरवाजे का नंबर। इधर पे भी ऐसे किनारे पे हल्के से लगाइए नीचे नीचे किनारे पर और फिर उसे भी लपेट दीजिए। जो भाई हो रहा है हल्के क्या बोले। और अब मैं अक्सर ऐसी वीडियो डाला करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए और मुझे उठाइए ऊपर हो सके तो। और आपको जैसी मेरी वीडियो लगे कमेंट में बताते रहिएगा। और गाइस मैं मेरठ से हूँ और ये देखो डोरी लपेट दी है। आप मेरे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताएंगे आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं। और मेरी पतंग अच्छी लगे तो फ़ोन करके पूछिएगा हमेशा और कमेंट में बता दीजिए कोई चीज़ पूछनी है तो मैं बता दिया करूँगा। और सबका तरीका अलग अलग होता है। ये देखो भाई नीचे की डोरी दोनों तरफ की हो चुकी है। अब ऊपर की बारी आती है। यहाँ की डोरी आप बहुत आराम से करिएगा क्योंकि हर किसी पे एकदम से हो नहीं पाएगी शुरुआत में जो पतंग बनाएगा। ये देखो हल्के हल्के हाथों से यहाँ से भी ऐसे लपेट दीजिएगा और ये आपकी डोरी ऊपर गिरी पड़ गई आराम आराम से हल्के हाथों से। फिर हल्के से ऐसा हाथ मार दीजिए और अरे भाई हो गई ऊपर की अब इधर की रह गई है बस। पतंग मतलब मैं बहुत मतलब पतंग बहुत वैसी चीज़ है अगर आप बनानी सीख जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा बनाते हुए। तो कोशिश करें आप भी पतंग बनाएं और मेरठ का नाम उठाएं। और मैं भी मेरठ से ही हूँ। आप कमेंट में बताना कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो कहाँ कहाँ से नहीं। और
ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना, और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉल कर लेना, या स्क्रीन पर ही डाल दूंगा अपना नंबर, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हो गई और देखो भाई यहाँ पे पेपर बचता है, इसे आप ना यहाँ से डोरी को अंदर करके इसे भर के और हल्का सा कमान के ऊपर यहाँ पे लई लगा कर इसे भी चिपका दीजिए, वरना पतंग फट सकती है, एकदम सेफ सिक्योर पतंग हो जाएगी। फिर आप चाहे ये देखो जी ऐसे चिपक जाएगा यहाँ से बिल्कुल किनारी ख़त्म, और अभी घर वाली को भी ऐसी कर देते हैं। अब गाइस इसके नंबर आता है ऊपर का कमान पे, यहाँ पे चिपकेगा और यहाँ पे हम चिपका लगाएंगे जो हमने पेपर वेस्ट था, मतलब जो यहाँ से निकलता है देखो साइड से पेपर पेपर बचता है उससे, मतलब वो लगाते हैं चिप्पे वगैरह। ये दो शीट निकलेंगी आपकी, एक ये का और एक ये का, और मैं आपको मैं इसे काट के दिखाता हूँ। ये जो ऊपर वाली साइड होती है यहाँ से आप इसे ऐसे करके ऐसे काट सकते हो, ये ऊपर वाली चिप्पा बन गया, और यहाँ पे लई लगा कर अब इसे लगा सकते हो ऐसे करके, मतलब बहुत साफ तरीके से लगाइएगा आराम से, कहीं की जल्दी नहीं ली। मतलब पतंग बनाने बैठे था बिल्कुल माइंड, मतलब माइंड से बैठेगा तो शांति वातावरण होना चाहिए वहाँ पे, ना ज़्यादा शोर, एक अपने रूम में अलग, और देखो ऐसे लगा के जितना आप शांति में बैठोगे इतनी अच्छी पतंग बना पाओगे अकेले, और फिर आपका हाथ साफ हो जाएगा, फिर आप खुद ही बना लिया करोगे। फिर हल्का सा ऐसा बना दीजिएगा, ये हमारा ये लग गया, और अब आते हैं साइड के जो यहाँ पे लगे रहते हैं ना इस जगह पर, यहाँ पर इससे पतंग और मजबूत हो जाए हमारी, इसमें से निकाल लेते हैं। और कहते ज़्यादा बड़े मत रखना, छोटे रखना, ज़्यादा बड़े रखोगे तो पतंग की फिनिशिंग ख़त्म हो जाती है, इतना मज़ा नहीं आता है, और लास्ट इतने बड़े, इससे ज़्यादा बड़े नहीं, मैं तो छोटे रखता हूँ बहुत। तो देखो इस यहाँ पे इसके किनारे से हल्का ऐसे लगा के आप देख पा रहे हो वीडियो में, आराम से लगा दीजिएगा। लग गया है ना, और अब दूसरा वाला भी इधर की साइड लगा देते हैं। और वैसे हमेशा याद रखना कि चिपके पेपर लगाओ तो हमेशा जो लई है ना, ये जो पेपर की चिकनी तरफ मतलब चिकनाई साइड होती है उधर की साइड पे लगाया करो, और फिर उसे लगा दिया करो यहाँ पे जैसे मैंने लगा दिया। लग चुके हैं, बचा एक वो जो यहाँ पे लगता है वो लगाएंगे, और यहाँ पे भी लगाएंगे गाइस, आज हम वीडियो में आपको लगाकर दिखाते हैं। तो गाइस ये इसे ज्यादा बड़ा मत रखिएगा, मतलब चौड़ाई इसकी कम रखिएगा, थोड़ा लंबा रख सकते हैं मीडियम, मतलब जैसा आपको अच्छा लगेगा कि हाँ कि मेरे को यहाँ पे इतना लंबा लगाना है, इतना लंबा लगाना है, ये आपके ऊपर बात है आपको कैसा रखना कैसा नहीं। आप जब पतंग बनाने शुरू मतलब सीख जाओगे अपने आप ही लगाने लगोगे। अब इसे बिल्कुल सेंटर में लगाइए, मिड में, जितना की साइड है राइट हैंड साइड की तरफ उतना ही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, बिल्कुल मिड में। और गाइस ये देखो बिल्कुल ऐसे उठा के एकदम बीच में लगा दीजिएगा, लग गया एकदम सफाई से, है ना, ऐसे लगा दीजिए। और वैसा एक पेपर आप इसको यहाँ पे मोमबत्ती भी लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो बोलते हैं ना इतना लंबा होता है वो, उसे लगा दीजिए। और अभी हम इसका पत्ता निकालते हैं, इस बॉक्स के अंदर रखा होगा गाइस, ये इसका पत्ता ट्रायंगल एकदम शेप में, पहले हम आपको चिप्पा लगा कर दिखा देते हैं।
गाइस ये थोड़ा सा बड़ा, काफी बहुत बड़ा है, और इसे हम पतला करेंगे यहाँ से कट के। ये आपके ऊपर बात है, आपको इसे कैसे डिजाइन में रखना है, मतलब कितना चौड़ा रखना है, कैसे डिजाइन रखना है। तो गाइस मैं तो बहुत छोटा रखता हूँ, मतलब लंबा तो पूरा रखता हूँ यहाँ तक, जिससे पतंग पूरी और अच्छी निकल कर बने। और क्या नाम है, आपको चौड़ाई इसकी खुद देखनी है कि कितना मोटा रखना है, कितना पतला रखना है इसको। और ये यहाँ आप ऐसे लाइन लगाइए, पूरे पर लाइन लगा दी, ठीक है भाई। इस पर बोले को ले लग चुकी है। और आप अपने पत्ते का साइज देख लीजिएगा, क्योंकि मैं तो ऐसे लगाता हूँ और सबका तरीका अलग अलग होता है। पत्ते का साइज देख लीजिए, यहाँ पर आ रहा है, और इतना ही हल्का सा ऊपर तक लगा कर, मतलब जैसे यहाँ पर है तो इतना अंदर लगा कर आप इसे लगा सकते हैं। और ये देखो यहाँ पर हल्का सा, पहले आप ऐसे हाथ फेरेगा पूरे पर, और ये करके फिर अपने नाखून से इसको अंदर लगा लीजिए। फिर वैसे आप हल्का हल्का हाथ फेर दीजिएगा। मैं हमेशा इतनी लंबी लगाता हूँ, और जो भी पतंग बनाने वाले लोग हैं, मतलब भाई हैं मेरे, वो भी मुझे बताइएगा कि अच्छी लगते हैं लगती, फिर मुझे हिसाब से साइज छोटा कर दूंगा। वैसे तो मेरे को इतनी बड़ी पसंद है, क्योंकि पतंग फिर और मतलब चौड़ी लगती है, साइज उसका अच्छा लगता है। ये देखो भाई पतंग इतनी रेडी हो चुकी है, और अब इसका पत्ता लगाते हैं, ये वाइट पेपर है इसका लगाते हैं। जो गाइस ये पत्ता फरमा है, इसको भी हल्का सा ऐसे लगाइएगा, और कैंची उठाकर इसे ऐसे काट दीजिएगा। पहला फ्रंट का पत्ता, जो मेन पत्ता होता है ना गाइस, मतलब आगे का पीछे वाला पत्ता जो होता है, पीछे वाला पत्ता बिल्कुल बराबर काट दीजिएगा, एकदम बराबर। और जो फ्रंट पत्ता होता है, मतलब जो जहाँ से आप पतंग आपके हाथ में आती है एकदम फ्रंट, जो आपको पहले दिखता है, वो पत्ता थोड़ा बड़ा काटेगा, क्योंकि वो उसका साइज थोड़ा ठंडे के नीचे और जो पत्ते पे सीख रखती हैं उसमें अटैच हो जाता है। और देखो गाइस कम से कम इतना फालतू काटिए एकदम सीधा करके, इतना फालतू काटिएगा, देख पा रहे होंगे दिख रहा होगा, ये इतना फालतू काटिएगा जिससे कि आपको पत्ता लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। गाइस देखिए ये सारी चीज़ें खराब खड़ी हैं, इसमें से हम निकाल लेते हैं ठंडा है फॉर्म का। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ पत्ता लगाकर। तो गाइस पहले फ्रंट वाला पत्ता लीजिएगा जरा, और इसके बस बीच में और हल्का सा यहाँ तक, हल्का हल्का सा बस इतना ही। और चिकनाई वाली साइड लाई लगानी है आपको, फिर उसके ऊपर बिल्कुल कोने से नोक, मतलब कोने से कोना मिलाकर ऐसे रख देना है। ये देखो गाइस ऐसे लगाना है आपको पत्ता वाइट वाला। और अब फ्रंट की बारी आती है, फ्रंट लगाते हैं। और ये जो आपकी, तो गाइस जैसा आप देख पा रहे हो, अब हमने फ्रंट तो पत्ता, मतलब बैक पत्ता लगा लिया, और ये जो सीख है ना, तो आप इसे पहले काट लीजिएगा। मतलब मैं तो पहले काट लेता हूँ, सबके तरीका अलग अलग होते हैं, पर मैं तो पहले काट लेता हूँ। और यहाँ पे इससे मिलाकर काट लीजिएगा, और अपना नाम से फिर इसे अलग करके रख दीजिएगा। और ये मतलब पत्ते के साइज से आप इसकी सीख करिएगा, जैसे आपका पत्ता गोल फर में का तो बड़ा होगा, तो इतना काट के इसे मतलब पहले काटिए, फिर उसके बाद ये सीखिएगा। जैसे हमने तोड़ लिया, फिर इसे साफ करेंगे मतलब अपना उस तरह लेना। और काट के तो वैसे से पतली सी हो गई, बिल्कुल हल्की, बिल्कुल हल्की। इसे यहाँ से दो कर लीजिएगा, दोनों तरफ लग जाए। वैसे देखो ये हो चुकी है मेरी गाइस, इतनी छोटी छोटी लगनी है, बड़ी नहीं लगनी आपको बिल्कुल भी। और आपकी जो लई है उस, इस पर लई पर लगाना है, और यहाँ पे इसके किनारे पर लगा देना है अपने अंदाजे से, आपने देखा होगा। दूसरी वाली भी ऐसे लगा देंगे, ऐसे करवाना है। और देखो ये लग चुका है, और अब हम लगाते हैं बैक का, मतलब जो फ्रंट पत्ता होता है ना मेन,
जो मैंने आपको बड़ा बताया था ये लगाते हैं, और अभी सोचते हैं आपको दिखाते हैं लगाकर। इसके बिल्कुल इसके चारों कोने पर लेई लगानी है आपको, फ्रंट बीच में भी और साइड में भी। आप देखते रहिएगा कैमरे में, दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो गाइस, और गाइस सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा मोहित भाई को और मुझको दोनों को। इस टाइम वो भी पतंग बहुत अच्छी बना रहे हैं, उनका लंबा फर्म आपको 30 रुपये में मिल जाएगा, और आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने वीडियो डाल रखी उनकी, नंबर भी उसमें है, और बीच बीच में उनकी वीडियो लाता रहूँगा। पत्ते पर नहीं लग चुकी है, वाइट पत्ता ये। और अब आप इसको ऐसे करके बिल्कुल सेंटर में लगा दीजिएगा बीच से। मैंने आपको बताया था कोने से कोने में ला के रखना है, और फिर इसको ऐसे रख के, और ये देख सकते हैं आप, हल्का सा पहले ऐसे हाथ लगाइए, और फिर इसको बीच में से ऐसे लगाइए, फिर ऐसे हाथ लगाइएगा। और ये जो सीख है यहाँ पे, इनको भी ऐसे दबा दीजिएगा जो आपका पत्ता एकदम खिल कर आए, फिर ऐसे हाथ लगा दीजिए। देखा जी, पता रेडी हो चुका है, गोल फार्म रेडी हो चुका है हमारा एकदम बेहतरीन करके। आप देख सकते हैं गोल फार्म हमारा रेडी हो चुका है। ये मेरे हाथ की पतंग है उदित काइट मेकर, जो आपने सुना होगा मेरठ काइट कल्चर। और देख सकते हैं आप, और अब चलते हैं, आपको मैं अभी बाहर ले जाकर पतंग दिखाता हूँ, और क्या नाम है, चलते हैं। तो देखो गाइस, ये पतंग पूरी रेडी हो चुकी है, और आपको मैंने कौड़ी दिखाई थी, कौड़ी देखी कितनी शाइन मार रही है, ये स्टार वाली कोड़िया हल्की हल्की। और ये देखो भाई, जब पतंग धूप में आ चुकी है, ये देखो आप देख सकते हो, मैं आपको नीचे रख के दिखा देता हूँ। और ये गाइस, ये पूरा गोल फर्मा आप देख सकते हो, पूरा फुल साइज है समोसा फर्मा, कितनी दूर लड़ाई है। तो सो गाइस, अब हमारी पतंग पूरी बनी चुकी है, मैंने आपको ब्राउन पतंग पूरी बना के दिखाई दी है। और अब क्या नाम है, मोहित भाई की वीडियो बनाएंगे, दोबारा से लाएंगे मोहित भाई को ट्रेंडिंग में। और आप भाई, मैं अपना नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं जल्दी जल्दी पतंग बना के दिखाऊंगा जी भाई को। चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, और गाइस वीडियो को शेयर करो, सपोर्ट करो काफ़ी, और ऑर्डर लगाइए, सब चीज़ आपको मिलेगी, आपकी पसंद की आपको पतंग मिलेगी। आप कॉन्टेक्ट करिए मुझसे, वैसे आपको पतंग बना के देंगे जैसे आपको डिज़ाइन चाहिए। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस, अक्सर अब कल से आपको डेली वीडियो मिलेगी, किसी दिन भी शुरू हो चुका है, आप वीडियो सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलते हैं, थैंक यू गाइस।